गाइस सिंचे ने बोला था कि लॉस सैंटोस में अपनी जो प्लाजा होटल है उसके पीछे हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मिले देखने के लिए एक बड़ा सा हेवन। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि उनको हेवन मिल गया कहाँ से अपने शहर के बीचों बीच। यार सिंचन कहाँ पे होगा? और ये है वो अपार्टमेंट जहाँ पे सिंचन मेरे को बुला रहा था, बट यहाँ पे अभी भी कोई नहीं और सिंचन चौप यहाँ पे कहीं भी नहीं मिले देखने के लिए। यार बड़े से होटल के नीचे तो आ गया हूँ और यहाँ पे सिंचन चौप कहीं नहीं मिले देखने के लिए। पता नहीं सिंचन चौप कहाँ होगा। एक काम कर दो, चलो देखो पीछे तो कहीं नहीं है और यहाँ पे हेवन तो कहीं मिला देखने के लिए। इधर कहीं हेवन भी नहीं है। ओ हाँ ओके, यहाँ पे सिंचन और चौप बैठे हुए हैं। यार सिंचन चौप तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अले भैया आप पीछे देखो, हम लोग को एक हेवन मिला है जो कि एसटीएलवे हेवन की तरफ जाता है। क्या बात कर ले, अले हाँ कल भैया ये एसटीएलवे हेवन की तरफ जाता है। अले भैया ये आप कपड़ा कहाँ से ले लिए? यार मैं कपड़ा थोड़ा मैं भी गया था बीच के साइड और वहाँ पर मैं नहा धोवा के आया हूँ और ये देखो मेरे पास क्या प्यारी प्यारी सूट है और मैं भी जिम करके आ रहा हूँ। अरे सिंचन मैं भी जिम करके आ रहा हूँ ना, इसीलिए मैं सोचा कि चलो तुम लोग से मिल लेता हूँ और तुम लोग इतने जल्दी बुला रहे हो, मैं क्या बोलूँ। वैसे ये स्टेयरवे है क्या यहाँ पे? अले भैया आप पीछे देखो, वेट अ सेकंड पीछे देखो गाइस, ये देखो ये बड़ा सा स्टेयरवे कहाँ जाता है सिंचन? अले भैया मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है। अले कलो कलो चल चल चला जाए हेवन की तरफ, ये मुझे पता है ये सीढ़ी हेवन की तरफ जाता है। ऐसा क्या हेवन की तरफ ये सीढ़ी जाता है? गाइस हम लोग को देखना पड़ेगा आखिर ये सीढ़ी जाती कहाँ पे। बट इसके ऊपर जाने के लिए हम लोग को चाहिए एक मोटर बाइक, क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग गाड़ी ले जा नहीं सकते हैं। अले भैया तब आप जुगाड़ कर लो मोटर बाइक को। यार मोटर बाइक को जुगाड़ करो, मोटर का बाइक कहाँ गए? एक काम करते चलो रोड पर चलता हूँ और गाइस एक दो मोटर बाइक लेके आता हूँ, शायद वहाँ से हमको मिले देखने के लिए मोटर बाइक। इधर भी कोई भी मोटर बाइक इधर यहाँ पे है नहीं। एक काम करता हूँ मोटर बाइक किसका ले लेता हूँ। वेल यहाँ पे भी कोई भी नहीं है और रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है। गाइज इधर तो कोई भी मोटर बाइक नहीं मिला देखने के लिए, सारे लोग गाड़ी से जा रहे और अपनों गाड़ी नहीं चाहिए। वेट अ सेकंड गाइज यहाँ मिल गया एक देखने के लिए अपना प्यारा सा मोटर बाइक। एक काम करते हैं ये मोटर बाइक इनका यहाँ से चलते हैं और हम लोग मेगा रैम करके आएंगे गाइज स्टेयरवे से, तो यहाँ पे इसी गाड़ी को रख देंगे और जिसका भी होगा वो मेरे को कंप्लेन नहीं करेगा। वेट अ सेकंड एक काम करते, मैं कौन सी गली में आ गया, मैं भूल गया क्या रास्ता? अरे सिंचन देखो मैंने गाड़ी ला दिया। अरे हाँ भैया क्या अच्छी बात है, चलो चलो आप इसे बैठ कर चला जाए। बट यार तुम लोग बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे। अरे कल कल भैया चल चल हम लोग बैठ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अरे यार एडजस्ट कर लोगी, अच्छी बात है ठीक है चलो आओ बैठ। गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी सी हेवन पता नहीं कहाँ पे जाती है। गाइस ये देखो ये स्टेयरवे पता नहीं कहाँ पे जाती है और ये सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है। अरे हाँ भैया ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। अरे कल कल चल चल हम लोग बैठ गए, तू आ गाड़ी चला। गाइस ये लो तो बैठ के बहुत पहले से ये काम करता हूँ। गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर ठीक है, और आराम से देखते आखिर ये जाता कहाँ पे सीढ़ी। अरे हाँ भैया चलो चलो मुझे पता है ये हेवन पे जाता है। गाइस ये लोग बोले कि ये हेवन पे जाता है, मुझे पता कि कहाँ जाता है, क्या पता सामने बहुत से जन्नत हो, क्या पता डायमंड मिल जाए। अरे हाँ भैया चलो चलो अले कले कले चल चल ये मैंने ढूंढा है। गाइस ये लोग तो क्या खतरनाक चीज ढूंढे है, चलो चलते देखते और ये हेवन जाती कहाँ पे है। तो चलो गाइस देखते आखिर ये जाती कहाँ पे है स्टेयरवे। एक काम कर दो बैठ जाओ, वैसे चौप अच्छे से बैठ गए ना। अरे हाँ कल भैया दिक्कत होली पर अच्छे से बैठ गए हम लोग, सिंजन तो बैठ गए ना। अरे हाँ भैया भैया बैठ गए चलो चलो आप चलो। यार ये लोग तो काफ़ी खतरनाक है, बट वेट सेकंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रही है अपनी हेवन। और सिंचन रेडी हो ना? अरे हाँ भैया चलो चलो आप चलो। अरे कलवे कलवे चल चल मेरे को दिक्कत हो ली है। अरे यार चौप तुम क्या कर, तुम आगे कैसे बढ़ गए इतना आगे? अले भैया चलो 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 गाइस निकलते सबसे पहले अपने यहाँ से, गई काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रही है हेवन, बट अपन लोग ट्राई करते हैं। वैसे सिंचन अच्छे से बैठे हो ना? अले हाँ भैया अच्छे से बैठा हूँ, आराम सब चलाओ। गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइस, क्योंकि सिंचन और चौप उठा के चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस मोटर बाइक के ऊपर। अले भैया आराम से गिलना मत आप। गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट वेट गाइस हम लोग पहला पड़ाव शायद पार कर चुके हैं। और गाइस ये पता नहीं स्टेयरवे जाती कहाँ पे, बट ये मोटर बाइक का पता नहीं अगर फ्यूल खत्म हुई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है चौप। गाइज हम लोग यहाँ तो आ चुके हैं हेवन के ऊपर, बट यहाँ पे गाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे गिरे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है कि नहीं सिंचन? अले हाँ भैया आराम से चलो। अले कलवे कलवे मेरे को दिक्कत हो ली है, आराम से मेरे को पीछे बैठा। अले भैया मेरे को आगे मत बैठाना। अरे यार तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में, रुको मैं ऊपर ले चलता हूँ आराम से लाऊंगा ठीक है। अरे यार तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? अले भैया मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? अरे चौप तुम चुप रहो, तुम लड़ क्यों रहे हो इससे? अले कलवे कलवे चल चल काम कर अपना, चल तू ऊपर ले चल। गाइस ये तो आपस में लड़ रहे और मेरे खुद ही बोले, चलो कोई दिक्कत नहीं निकलते अपन लोग यहाँ से। और ये मोटर बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि चौप और सिंचन की लोड आराम से ले पा रही है। वैसे सिंचन कैसा लग रहा है? अले भैया मेरे को डर लग रहा है, गिला ना मत आप। अरे गिराऊंगा नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? गाइस हम लोग आगे फाइनली यहाँ पे, वेट अ सेकंड। अले भैया हम लोग बहुत आगे ऊपर आ चुके हैं। अरे हाँ यार हम लोग ऊपर आ चुके हैं, वैसे चौप पे तेरे को दिक्कत नहीं हो रही ना? अले कले कलिया चल चल आराम चल।
यार स्कूलों को दिक्कत हो रही है यार, नीचे सीढ़ी कैसे जा रही है? अरे निकल ग्लिच है, चल निकल यहाँ से, ऊपर चल यार ऊपर। बट ऊपर ये है क्या? अरे भैया भैया ऊपर हेवन है, चलो चलो गाइस। ये लोग बोल ऊपर हेवन है, पर मुझे नहीं लगता कि ऊपर हेवन वगैरह कुछ है, क्योंकि सीढ़ी पता नहीं कहाँ जाती और देखते हैं वैसे ये जाती कहाँ पे। अरे भैया आराम चलो, मेरे को दिक्कत हो ली है। अरे सिंचन कोई दिक्कत नहीं, चल चल आराम से, चल गिरेंगे हम लोग, क्यों टेंशन ले रहा है। गाइस ये देखो अब ये सीढ़ी पता नहीं कहाँ पे जाती है और मेरे को लगता है ये हेवन में जाती है कि नहीं सिंचन? अरे हाँ भैया ये हेवन में जाती है। यार तुम लोग गाड़ी चलाए काफ़ी ज़्यादा, और गाइस मोटर बाइक काफ़ी ज़्यादा अब दिक्कत कर रही है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, बट हम लोग आराम से चल पा रहे हैं। अरे भैया चलो 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 चलो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और अभी पूरी लॉस संतोष दिख ली है। अरे हाँ गाइस देखो यहाँ से पूरी लॉस सेंड टॉस दिख रही है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं किसी की मदद भी नहीं ले सकता, अगर हम लोग नीचे गिरे तो सारे लोग मर जाने वाले और अपना केयर कोई भी नहीं कर पाएगा, अपन लोग हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। अरे भैया ऐसा मत बोलो, चलो चलो। अरे यार तुम ऐसा मत बोलो, मेरे को डर लग रहा है। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। वैसे सिंचन ये बताओ ये तुमको रैम कहाँ से मिला? अरे भैया मैं ना मैच चौबी आया था खाना खाने के लिए बल्ले रेस्टोरेंट के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिला बल्ले सा ये लैम्प। अरे यार रैंप मिला देखने के लिए, बट ये तो एस्टीयर में है ना? अरे हाँ भैया वही वही एस्टीयर में देखने के लिए मिला। अरे यार तुम लोग को एस्टीयर मिलता रहता है और हम लोग कुछ मिलता ही नहीं है, बट गाइस काफ़ी दिक्कत था यार यहाँ पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं गाइस, अपन को आराम से ना पड़ेगा, अपन किसकी मदद मिल सकते, अपन ना किसी की मदद मिल सकते, क्योंकि अभी लॉस सेंटोस में अपन लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है और आजकल तो लॉस सेंटोस में इतनी महंगाई पड़ गई कि अपन को पेपर लेकर अभी काम करना पड़ता है। अरे हाँ भैया मैं ये पेपर सुबह सुबह बांटता हूँ। गाइस सिंचन में सुबह सुबह पेपर बांटता है, पता है गाइस लॉस सेंटोस में ना काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से हम लोग खाना पीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और अपन को खाने पीने के लिए अपन को बिजनेस भी करना पड़ता है और अपन को काम पर भी ना पड़ता है। पहले क्या था कि लॉस सेंटोस में ज़्यादा महंगाई थी नहीं, बट अपन लोग आराम से घर में रह के खाते पिए थे, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई लॉस सेंटोस के अंदर और हम अपन लगी गुजारा बिल्कुल होता नहीं है, अपन लोग बिल्कुल सुबह शाम तक काम ही करना पड़ता है कि नहीं सिंचन? अरे हाँ भैया वो तो है हम लोग का काम यार। गाइस पता है अपने को थोड़ी बहुत काम भी करना पड़ता है, बट हाँ मैं तो पेपर वाला काम करता हूँ और सिंचन खाना बनाने काम करता है और चौप बिल्कुल नल्ला केवल खाता पीता रहता है, केवल हड्डी चबाता रहता है सुबह शाम। बट गाइस ये देखो ये हेवन कहाँ तक जाती है। और वैसे सिंचन तू अच्छे से बैठा है ना? अरे हाँ भैया मैं तो अच्छे से बैठा हूँ। अरे कलिए मेरे को दिक्कत हो लिया, मेरे को पीछे बैठा। अरे यार चौप बट तू दिक्कत में कैसे है? तू तो आराम से बैठा है मजे से। अरे नहीं कलिए कलिए आराम से क्या बैठा हूँ। अरे यार आजा आराम से, गाइस देख रो कितने आराम से कलुआ बैठा है, गाइस देख रो कितने आराम से चौप बैठा है, बट चौप बोल रहे हम लोग आराम से बैठे नहीं है। वाह भैया कुछ भी कहो। चलो गाइस बस थोड़ी सी ओ वेट, सामने क्या है सिंचन? अरे भैया सामने तो बहुत सारे पेड़ है गाइस, सामने बहुत सारे पेड़ है, बट सामने क्या होने वाला है वहाँ पे? और ये तो सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अरे कलुए ये क्या कहाँ ले चला मेरे को, मेरे को डर लग ले ऊपर, तू बादल में जाके मेरे को गिराएगा क्या? अरे नहीं गिराऊंगा यार, बट गाइस ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सामने बहुत सारे पेड़ है, सामने तो कंटेनर है। अरे हाँ भैया चलो चलो देखो वहाँ पे क्या होगा, कोई हल्क नहीं होगा ना? वेट अ सेकंड, कोई भूतिया कोई हल्क? नहीं नहीं हल्क नहीं हो सकता यार, हल्क क्यों होगा ऊपर? अरे भैया चलो चलो मेरे को डर लग रहा है। अरे यार डर लग रहा है, बट मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे पता नहीं, बस देखते हैं यहाँ पे क्या है। वेट अ सेकंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोग भी होश पड़े हुए हैं, ये क्या है? अले भैया उनको बचाओ एक सेकंड। अरे सिक्योरिटी अंकल इनका क्या हुआ? अरे बेटे ऊपर मत जाओ, ऊपर बहुत बड़ा हेवन है, ऊपर जाओगे तो मारे जाओगे। क्या बात कर रहे हो अंकल, ऊपर हेवन है? ऐसा कैसे होता है? अरे अंकल ऊपर हेवन है तो क्या है, ऊपर कुछ मिले क्या? अरे बेटे ऊपर बहुत सारे टेररिस्ट है, बहुत सारे ऊपर गुंडे हैं, और हाँ ऊपर बहुत सारे गोल्ड भी है, डायमंड भी है। ऐसा क्या अंकल? अरे हाँ बेटे ऊपर मत जाओ, जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसा क्या वैसे सिंचन किया क्या जाए? अरे भैया चलो चलो हम लोग आधे आ गए, आधे ऑल कर लो। अरे हाँ कर लो, चल चल अगल वहाँ पे बहुत सारे चल चल अगल वहाँ बहुत सारे पैसे होंगे तो अपने काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अपने काम निकलना पड़ेगा। अरे हाँ यार वो तो ठीक है। अरे भैया चलो चलो गाइस एक काम करते, निकलते अपन लोग यहाँ से, क्या पता है अगर हम लोग कुछ वहाँ पे काम वो मिल गया या फिर अगर वहाँ पे मिल गया डायमंड वगैरह तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपन लोग सर्वाइव कर सकते हैं और अपन लॉस सेंटोस में अमीर बन सकते हैं। अरे हाँ भैया वो तो है ही, गाइस एक काम करते चलते हैं अपन लोग वहीं पे। अरे भैया अब ऊपर आ गए? अरे हाँ यार, बट गाइस ये देखो ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, पता नहीं सीढ़ियाँ जाती कहाँ पे। अरे भैया ये हेवन में जाती है, चलो चलो वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे पैसे, सोने चांदी से लोग भल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ कलुए चल चल
गाइस सिंचन बोले कि ऊपर हेवन है और हेवन के अंदर मिलेंगे बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे गोल्ड। बट गाइस काफ़ी दिक्कत हो रही है। वैसे सिंचन आराम से बैठो, गिरना मत, नहीं काफ़ी दिक्कत होगी और अपन नीचे गिरेंगे तो मेरे सारे मुंडी और हड्डी पसी सारे टूट जाने वाले। अरे हाँ भैया, मैं तो आराम से बैठा हूँ, आप आराम से चलाते रहो, मोटर बाइक गिराना मत। गाइस अगर यहाँ पे ब्रेक फिसली और यहाँ ब्रेक नहीं लगा तो अपन सारे तीनों लोग जन मर जाने वाले और अपन लोग पता नहीं काम पे कोई जगह पेपर कौन बांटेगा लॉस सैंटोस का। लॉस सैंटोस में पेपर काम हम ही लोग करते हैं, सुबह सुबह पेपर वाले का काम करते हैं। अरे हाँ भैया चलो अगर हम लोग पहुँच गए तो बहुत सारे डायमंड मिलने वाले हैं, बहुत सारे पैसे मिलेंगे हम लोग को। यार ये तो सही चीज़ है। वैसे सिंचन ये बता, तुम्हारा भाई पिंचन कहाँ पे? अरे भैया वो तो पढ़ाई कर रहा है अभी। अरे यार गाइस पता है सिंचन का भाई भी है पिंचन, वो भी आजकल पढ़ाई कर रहा है, उसको मैं बुलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा उसको भी काम करवाऊंगा। अरे हाँ भैया उसको भी आप लोग बुलाना। बट सिंचन ये तुम्हारी गाड़ी फंस गई। अरे भैया आराम से गिराना मत। अरे अरे कलुए क्या कर रहा है, गिराना मत हम लोग को। अरे हाँ यार बट तो मैं फंस गया यहाँ पे, मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे कलुए आराम से गिराना मत। अरे यार गिरा क्यों रहा हूँ भाई, मैं फंस जा रहा हूँ यहाँ पे। अरे भैया चलो आराम से गिलाना मत। गाइस यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो चुका है और अगर हम लोग यहाँ से नीचे गिरे तो अपना तो बैंड बजने वाला है क्योंकि ये हेवन और ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने वाली ही। अब वेट सिंचन सामने देख, सामने क्या चमक रहा है? अरे भैया मुझे नहीं पता सामने क्या चमक रहा है, सामने तो बहुत सारे कंटेनर है। गाइस सामने बहुत सारे कंटेनर है, एक काम करते अपन आराम से चलते हैं। अले कलवे चल आगे बल, सामने बहुत से डायमंड है, सामने हेवन आ चुका है। गाइस सिंचन बोल रहा है कि गाइस चौप बोल रहा है कि सामने हेवन आ चुका है, बट ये क्या सामने तो हेवन ही नहीं है। अले कले गुले मेरे को मत बोल, हेवन आ चुका है देख ले ऊपर। गाइस ये देखो सामने हेवन आ चुका है और अपन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे लॉस सैंटोस के अपन काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी आ चुके हैं, कि नहीं सिंचन? अले हाँ भैया चलो आगे बढ़ते रहो। गाइस देख रहे हो और पता नहीं चॉप कैसे बैठा है, पता नहीं उसको दर्द हो रही कि नहीं हो रही है। अले भैया चलो ले कलिए चल मजाक में, चल ऊपर पहुंच। गाइस चलते ऊपर और ये सीढ़ी आप खत्म होने वाली है और ऊपर हेवन है। मुझे नहीं पता कि आखिर सामने क्या मिलने वाला है, बट गाइस अगर सामने बहुत से मिलेगा डायमंड या फिर बहुत सारे पैसे तो अपन लॉस सैंटोस में काम कर रहा बंद कर देंगे और अपन बहुत सारे बड़े बड़े मेंशन कर देंगे, है ना कि सिंचन? अरे हाँ भैया बहुत सारे मेंशन कर देंगे और उससे मेरा दो लूम होगा और चॉप का छोटा सा लूम होगा। अरे यार चॉप का छोटा सा लूम होगा, चॉप तो काफ़ी छोटा बच्चा है, चॉप क्या लेगा? अले कले कुले छोटा बच्चा मत बोल मेरे को, मैं तो इससे बड़ा हूँ। अरे यार गाइस देख रहे हो चॉप हमें लड़ाई करता था मेरे से, मैं क्या ही बोलूँ इसको। बट वेल गाइस चलो चलते ऊपर और फाइनली यहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। वेट अ सेकंड गाइस, एक यहाँ भी इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? अले भैया आराम से लोग माल मत दे हम लोग को। यार वेट अ सेकंड, इनको मारू क्या इन लोग को? अले भैया मत मलो। अले भैया आप यहाँ पे क्या कर लो, एक काम करोगे इनसे पूछो कि यहाँ पे है क्या यहाँ पे। अले हाँ भैया पूछो इनसे यहाँ पे ये लोग क्या कर ले। और गाइस सामने तो बहुत सारे लोग भी हैं, एक काम करते गाइस ऐसे नहीं होगा। हेलो अंकल यहाँ पे क्या हो रहा है? और बेटा सामने बहुत सारे गुंडे हैं, उनको मारो जल्दी से जाके। ऐसा क्या सामने बहुत सारे गुंडे हैं क्या? एक काम करते गाइस सामने अंकल बोले सामने बहुत सारे गुंडे हैं, काम कर सबको मारते हैं भाई, सबको मारते हैं भाई। ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब लोग गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तू भी ले ओ नो वे, चल तू भी ले और कौन है गाइस? ये सब इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गाइस सबके पास गन है, उसके पास मशीन गन है गाइस, उसके साथ मशीन गन है गाइस। एक काम करते ओ नो वे चल तू भी ले। अले भैया सबको मालो। अरे मैं सबको मार दिया, तू क्या कर रहा है? चल निकाल तू भी, अभी दो और है चल तू भी ले। गाइस मैं सबको टपका दिया। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। ये लोग कितने सारे बच्चों किडनैप करके रखे थे। लो सिंचन आगे बढ़ा जाए। अरे हाँ भैया आगे बोलो। गाइस इधर तो कुछ नहीं है बट गाइस सामने बहुत सारे हेवन है, काम करते हैं बट हम ऊपर कैसे जाएंगे सिंचन? अरे यहाँ भैया भले काम कर लो, आप गाड़ी को फ्लाई मोड में कर लो। गाइस सिंचन बोले कि गाड़ी को मैं टर्बो में बूस्ट लगाऊं, बट टर्बो से तो काफ़ी हम लोग हवा उड़ जाएंगे। अले कले कुले लगा हम लोग आगे जाना है। अले कले कुले लगा हम लोग हेवन में जाना है। अरे यार हाँ हेवन तो जाना है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अले भैया चलो हेवन में चलो। गाइस सिंचन बोले अपन चलो हेवन के अंदर और यहाँ पे गाइस अपन लोग काम करते, अपने हाथ लगाते बूस्ट और नो वे गाइस अगर अपन यहाँ से गिरे तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है।
वेट गाइस ये देखो गाइस, काफी मुसीबत के बाद हम आ चुके हैं ऊपर और मेरी गाड़ी नीचे गिर चुकी है। बट गाइस ये देखो सिंचन चौप यहाँ पे आ चुका और यहाँ पे इतने सारे डायमंड है। अले भैया मैं तो अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया अरे यार तुम लोग अमीर बन गए ठीक है। बट गाइस ये देखो इतने सारे डायमंड, इतने सारे डायमंड क्या करेंगे सिंचन? अले भैया मैं तो बहुत सारे पैसे खा लूंगा, अले भैया मैं तो बहुत सारे घर खा लूंगा। गाइस सिंचन तो घर खरीदने वाला, वैसे चौप तो क्या कर गया? अले खा लूंगा मैं तो बहुत सारे खा लूंगा खाना, मैं खाना खाऊंगा। अरे गाइस तो खाना खाएगा। बट गाइस इतने सारे डायमंड के अब हम लोग करने वाले बहुत सारे, बट पीछे भी डायमंड है सिंचन, पीछे भी डायमंड बहुत सारे है। इन सबको क्या करूँ, इन सबको बैग अंदर भरूँ क्या? अले भैया बैग अंदर नहीं भरने वाला, आप ट्रक मंगाओ। गाइस ट्रक मंगा ले चलूंगा इनके घर। अले भैया मैंने बोला था ना ये जाते हैवन के अंदर। अरे हाँ गाइस ये जाते हैवन के अंदर और यहाँ पे हैवन भी, हैवन तो नहीं बट ये पूरे हैवन की तरह, क्योंकि इतने सारे पैसे, इतने सारे डायमंड, ये सभी डायमंड लेने के बाद हम लोग गाइस काफी ज्यादा अमीर होने वाले। अब लॉस सेंटोस का पता चले तो पुलिस हमारे को ले जाएगी जब्त करके। अले हाँ भैया चलो चलो आराम से निकला यहाँ से। अले भैया चलो चलो। गाइस हम लोगों ने पूरे तरीके से अपने हेलीकॉप्टर के अंदर भरवा दिया है अपने गोल्ड डायमंड को, और गाइस थोड़े बहुत डायमंड निकल रहे हम लोग, और गाइस फिर से हम दोबारा आएंगे डायमंड को लेने के लिए। गाइस हम लोग ने सारे डायमंड को अपने हेलीकॉप्टर के अंदर रख दिए और हम निकल चुके अपने घर के तरफ। बाकी गाइस यही था स्टोरी वीडियो, अगर आपको स्टोरी चला तो स्टोरी को लाइक करना, और देखना चाहते हो ऐसे ही सिंचन और चॉप और फ्रैंकलिन की वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कोर नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय गाइस। और आप यहाँ पे देख लो क्या हम लोग एकदम